हेलो यार, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। भाई, अभी कपास का सीजन चल रहा है। कहीं कहीं यार कपास के ना पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, कहीं कहीं अभी अंकुरण निकल रहे हैं तथा कहीं कहीं अभी बिजाई भी हो रही है। तो यार कपास में हम अच्छे से देखभाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उपज होती है, तथा अगर हम लोग उसमें थोड़ी सी भी गलतियां कर देते हैं तो उसमें हमको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के यार कपास के जो एक ठो ना बीमारी लगती है उसके ना यार बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है सोरसिन। सोरसिन बीमारी कपास के अंकुरण अवस्था में लगती है, सबसे छोटे अवस्था में लगती है, जो अभी के जो अवस्था चल रहे हैं उस अवस्था में ये वाली जो बीमारी है वो लगती है। तो यार देखते हैं कि ये वाली जो बीमारी है इसके क्या क्या लक्षण है, तथा हम लोग इसको किस तरह से पहचाने, तथा हम लोग कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। इसकी जो पहचान की सबसे आसान तरीका है, जो अंकुरण के जो तने होते हैं उसमें काले धब्बे तथा हल्की सी लालिमा कत्थई को कलर के उसमें छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। जैसे कि आप तने को उसको खींच के देखोगे ना तो उसमें हल्के से कत्थई कलर के छोटे छोटे धब्बे में उसमें हुए रहते हैं। इसके साथ साथ इसके दूसरे लक्षण ये है कि जो पौधे आपस में लिपट के मर जाते हैं, दो ठो तीन ठो पौधे आपस में मरेंगे और लिपट के मर जाते हैं। तो ये ना दो ठो जो लक्षण, अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपके कपास खेत में दिख रहा है तो आप तुरंत सजग हो जाइए। तो इसके जो सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही कपास में अंकुरण होती है तो अंकुरण होने के बाद जो उसकी कोमल तना जब मिट्टी के बाहर आती है तो उस समय जब हवा तथा पानी के या फिर जो पानी जब गिरता है तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो मिट्टी में जो छोटे छोटे धूल के कण रहते हैं या मिट्टी के साथ उस संपर्क में आके वो धीरे धीरे घिस जाता है और उसमें घाव लग जाते हैं। तो उसके बाद ये वाली जो बीमारी है वो ना मिट्टी में रहती है और हल्का से जैसे ही उसको घाव मिलता है पौधे पे तो उसमें वो अटैक कर देती है और वहाँ उससे फैलना शुरू हो जाता है। ये वाली जो बीमारी है, अगर पौधे को चोट नहीं लगती तो आपके नया पौधे में ये वाली बीमारी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि जब पौधे अंकुरित होते हैं, हवा वगैरह चलती है तो धीरे धीरे हिल हिल के उसके आसपास की मिट्टी में वो रगड़ खा खा के उसमें चोट लगती है। ये जो वाली बीमारी है उसमें फैल के हल्के से उसमें काले काले लालिमा लिए हुए दाग होंगे और धीरे धीरे वो कत्थई न कलर में बदल जाएगा और लास्ट में पूरे पौधे मर के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पौधे आपके बड़े स्टेज में जाता है वो वाले ना बीमारी के लड़ने की उसकी जो प्रतिरोधी क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्या होता है कि जब ना पौधे बढ़ती है तो उसकी जो जड़ की जो फैलाव होती है वो ना बढ़ती जाती है, तो उससे पौधे हर ना बीमारी से लड़ने की उसकी जो क्षमता रहती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये वाली बीमारी सिर्फ पौधे के अंकुरण अवस्था में ही लगती है, जब दो ठो पत्ते हुए रहते हैं उस स्टेज में ये वाली बीमारी लगती है। तो यार देखते हैं कि इसको हम लोग रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं तथा इसके रोकने के लिए हम लोग कौन सी दवा का यूज़ कर सकते हैं, इसके नया बारे में विस्तार से देखें। इसके नया बचाव के लिए कुछ कुछ उपाय हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में प्रैक्टिकली करके भी इसको हम लोग बच सकते हैं, जैसे कि गीली वाली मिट्टी में इसको लगाना नहीं। दूसरा ये कि ठंडे मौसम में सिंचाई बिल्कुल ना करें। तीसरा है कि 20 डिग्री टेम्परेचर से अगर आपके यहाँ का तापमान ज़्यादा है तभी बीज की रोपाई करें। और जो लास्ट है कि बीज को 5 सेंटीमीटर से नीचे की गहराई में रोपाई ना करें। 5 सेंटीमीटर तक करें, हो सके थोड़ा ऊपर करें लेकिन उससे नीचे आपको नहीं करना है। यार 4-5 जो उपाय हैं इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको ये वाले जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपके नया खेत में ये वाली बीमारी आ गई है तो उसकी रोकने के लिए फंगीसाइड के कम्बिनेशन आते हैं। ये वाले ना कम्बिनेशन का अगर आप छिड़काव करते हैं, जो कि आपको अभी दिख रहा है, तो ये वाले ना बीमारी से आपको निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। क्या होता है कि अभी के जो स्टेज होते हैं पौधे के, अभी नया जब पौधे मर जाती है तो वो वाली जगह लगभग खाली हो जाती है। तो इसलिए ये वाली ना बीमारी अगर आपको लग रहा है कि आ चुका है या फिर आने ही वाला है तो आप बहुत जल्द ये वाली जो फंगीसाइड है इसका आप यूज़ करिए और अपने फसल को बचाइए। तो यार कपास से संबंधित कुछ भी आपके सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ही करिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि खेती से संबंधित इस तरह की वीडियो ये वाले चैनल पे आते रहता है। तो यार वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।